अब चलो स्क्वाड पे आते। अच्छा हाँ, हारिस की जरूर बात करें अखबार भाई, इसके पीछे क्या हुआ है हारिस? अब मैं बताता हूँ, मोहम्मद वसीम साहब ने जिन्हों को पिक किया था वर्ल्ड कप में, आपको रबादा के खिलाफ उसकी बैटिंग याद है? हाँ बिल्कुल। हमारा कौन सा बैट्समैन ऐसे खेल सकता है? उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच भी सेमीफाइनल आपको फिनिश किया, दो चौके लगाए। देखो मैं उसकी बात करूंगा हारिस की, हारिस के रन स्ट्राइक रेट पे भी ना जाओ, 9 मैचेस खेले बट वो जितने बड़े दिल से खेलता है, जो उसका रोल है, ऐसे प्लेयर्स को ग्रूम करते हो। हमने रोल की बात की, ड्रॉप कर दिया आपने रोल, आप की रेस बात ना बोले, वो ड्रॉप है। आपने रोल की बात की ना, हारिस वर्ल्ड कप में इसलिए खेल रहा था क्योंकि फखर इंजर्ड था, उसने अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया, उसने एक दो अच्छे मैच में पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस, उसने मैच विनिंग मैच विनर का आप कह सकते हैं, किसी हद तक उसने मैच पाकिस्तान को निकाल के दिया अपनी परफॉर्मेंस से, आप ये कह सकते हैं ना, बांग्लादेश वाला मैच हो गया, साउथ अफ्रीका वाला मैच हो गया। अब वो तो आप उसको किसी नहीं, मैं हारिस की बात करूं, फखर की, फखर इंजर्ड हुआ था तो हारिस आया था ना, T20 वर्ल्ड कप की बात करो, T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं, मैं भी वर्ल्ड कप आप 2019 नहीं नहीं उसमें तो हारिस सही नहीं, नहीं नहीं T20 की बात करती है तो हां, तो वो आया उसने परफॉर्म किया। अब क्या आप उसको एज अ फखर की रिप्लेसमेंट देखते हैं? क्या आप उसको एज अ विकेट कीपर देखते हैं? कुछ पता ही नहीं। क्या आप उसको नंबर 6 पे देखते हैं? आपको क्या लगता है सर? मुझे समझ ही नहीं आ रही इनकी, सर खुद नहीं आ रही समझ में। अगर पेशावर जल्मी अलग से शो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान T20 की टीम को किस तरह खेलना चाहिए। हालांकि पेशावर जल्मी ने उसको पिछले कुछ सीजंस में, जो कि उनके पास हसीम, सायम, बाबर, टॉम कोलर, कैटवर्ड जैसे टॉप 4 आ गए, तो आरएस को नीचे एडजस्ट किया और आरएस ने रन भी किया। अभी नेशनल टी20 में उसने देखो जब खेलता है, हसीम जो आया